सभी लोगों को नमस्कार, मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से। दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन देने का घोषणा किया है और राशन मिल भी रहा है। इस मुफ्त राशन पर स्वर्गीय अमरीश पुरी जी का एक विचार है, उसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। हाँ, तो दोस्तों, आपने अभी अमरीश पुरी जी का विचार सुना, जिसमें अमरीश पुरी जी बोल रहे हैं कि जनता को पहले हराम का खाने की आदत डाली जाए, जनता को हराम खोर बनाया जाए। तो क्या यह आदत हमारे देश के लोगों को पड़ चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ चुका है। इसका एक सटीक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कोरोना के समय में लाखों लोग मरे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है देश में जिसके परिचित में कोई मरा ना हो, कोई रिश्तेदार मरा ना हो, कोई सगा संबंधी उसका मरा ना हो। और उस दौरान ये लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि लॉकडाउन खत्म होते ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इसी दौरान सरकार के द्वारा एक अफवाह फैलाई गई कि कोरोना के द्वारा मरने वाले लोगों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। कहीं कहीं भाजपाइयों ने इसे 40 लाख बता करके लोगों को गुमराह किया। और जैसे ही फैसले की घोषणा हुई, तमाम लोगों के अंदर से आंदोलन का जो भूत था वो खत्म हो गया, तमाम लोगों के अंदर जो सरकार का विरोध था वो खत्म हो गया। इससे साफ पता चलता है कि जनता पूरी तरह से हरामखोर हो चुकी है, जनता को मुफ्तखोरी की आदत पड़ चुकी है। और अब यह जनता कहीं पर केवल 5 किलो राशन में ही महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता सबको भूल चुकी है, दंगे फसाद को भूल चुकी है, हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हो रहा है उसको भूल चुकी है। देश में यह भी कहा जा सकता है कि जो भूखा है वो जाकर के राशन लेगा, लेकिन जो भूखा है वो आंदोलन भी कर सकता है, लेकिन कहीं पर भी कोई आंदोलन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। देश में जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं में से देखिए केवल इस तरह की योजनाएं आ रही हैं कि जनता को भिखारी बना दिया, जनता को मुफ्तखोर बना दिया, जनता को पूरा सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाए, जनता को कहीं से भी आत्मनिर्भर बनाने की कोई योजना नहीं चल रही है। देखिए, सरकार शौचालय बनवा रही है, सरकार घर दे रही है, सरकार के सांसद विधायक पहुंचते हैं तो ठंडी में जाकर के कंबल दे रहे हैं, गर्मी में आकर के वहां पर प्याऊ लगा दे रहे हैं, घड़ा लगा दे रहे हैं कि पानी पीजिए। तो इस तरह की ये जो योजनाएं हैं ये जनता को पंगु बनाने वाली है। सरकार को चाहिए कि वो जनता को रोजगार दे, सरकार को चाहिए कि शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाए कि एक आम आदमी पढ़ सके, उच्च शिक्षा ले सके, तकनीकी शिक्षा ले सके, लेकिन शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण और व्यवसायीकरण कर दिया गया है, बाजारीकरण कर दिया गया है। सरकार को चाहिए चिकित्सा की सुविधाओं को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसको नहीं मुफ्त कर रही, सरकार आपको मुफ्त में राशन दे रही है। सरकार से सीधे सीधे मुद्दे की बात करनी होगी, सरकार से सीधे सीधे रोजगार की बात करनी होगी। जो भी खास करके ग्रामीण के जो लोग हैं वो लोग जब कोई मुफ्त की बात आती है तो टूट पड़ते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मुफ्त का राशन या मुफ्त का कोई भी चीज आपको दिया जा रहा है ये बिल्कुल मुफ्त नहीं है। ये जो आपको दिया जाता है वो सरकारी खजाने से निकाल करके दिया जाता है। सरकारी खजाना जब खर्च होता है तो सरकारी खजाने को भरने के लिए महंगाई को बढ़ा दिया जाता है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, और उसी टैक्स से फिर सरकारी धन खजाना बनता है, और उसी सरकारी खजाने में से कुछ उसमें से निकाल करके आपको दे दिया जाता है और आप उसमें खुश हो जाते हैं। आप सोचिए कि पेट्रोल डीजल पर आज सरकारें 100 रुपये पेट्रोल है तो उसमें 70-75 रुपये सरकारें जो है टैक्स ले रही हैं, मतलब 70% जो पैसा है वो टैक्स का पैसा है और वो टैक्स का पैसा आपसे लिया जा रहा है। और मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त में राशन, ये सरकार जो प्रचार कर रही है, सोचिए एक प्रिंटेड झोला है जिसमें मोदी की फोटो लगी हुई है, उस झोले में 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जितने का वो राशन है उतने का ही वो झोला है, यानी कि सरकार जितना आपको राशन नहीं दे रही है उससे ज्यादा वो पैसा प्रचार में खर्च कर रही है। ये सीधे सीधे तौर पर सरकार अपनी मार्केटिंग कर रही है, अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं, जो वो कहीं से भी मुफ्त नहीं है, वो भरपाई हम ही आपको करना पड़ेगा। और आज हम अगर राशन मुफ्त मिलेंगे, कंबल मुफ्त मिलेंगे, शौचालय मुफ्त मिलेंगे, घर मुफ्त मिलेंगे, तो हमको उसका भरपाई भी करना पड़ेगा, हमको टैक्स के रूप में वो पैसा आप सरकार को लौटाना पड़ेगा, और वही महंगाई के रूप में हमारे ऊपर आकर के फिर से गिरेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बुरी बात है कि हमारे लोगों के बीच हरामखोर बनने की प्रवृत्ति आगे बढ़ती जाएगी, भीख मांगने वाली प्रवृत्ति आगे बढ़ती जाएगी। सरकार आपको भिखारी, भिकमंगा बनाना चाहती है, सरकार आपको आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहती है। अगर आपके अंदर जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है तो सरकार से भीख मांगने के बजाय अधिकार मांगिए और उनसे कहिए कि हमको रोजगार दें। सोचिए कि अगर आपके पास रोजगार होगा तो क्या आप 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाने जाएंगे? आप बढ़िया से बढ़िया खाना खरीद करके खा सकते हैं, आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन करके खरीद सकते हैं,
सांसद विधायक आते हैं, कंबल बांटते हैं गाँव में। अगर आपके पास रोजगार रहेगा तो एक बढ़िया मखमली कंबल आप खरीद सकते हैं। सरकार आपको शौचालय दे रही, उसमें भी खूब कमीशन खोरी हो रही है, और उस शौचालय में न तो बैठने की जगह, न तो पानी रखने की जगह है, और वैसे शौचालय के नाम पर सरकार आपको मूर्ख बना रही है। अगर आप नौकरी मांगते सरकार से और आपके पास नौकरी हो जाएगी तो आप एक बहुत बढ़िया शौचालय बनवा सकते हैं, बहुत बढ़िया घर बनवा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे देश के लोगों, इस मुफ्तखोरी की सरकार को हटाइए। ये मुफ्तखोरी के नाम पर केवल महंगाई बढ़ाएगी, जो मुफ्त में बांटेगी उससे ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज लाद देगी, और ये देश हमेशा भिखारी होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं एक एक करके हमारी जो हमारा जो रेलवे, हमारा एयरपोर्ट, हमारी जितनी सरकारी संस्थाएं सब बिकते चली जा रही हैं, सब अंबानी अडानी के हाथों में चली जा रही हैं। केवल इसी नाते हो रहा है कि क्योंकि सरकार सरकारी धन का बेतहाशा दुरुपयोग कर रही है, और उसके पीछे केवल और केवल आपकी चुप्पी है, आपका लालच है, जनता का लालच है। जिस तरह से कोरोना में लाखों लोग मारे गए लेकिन मुआवजे की लालच में लोगों ने कहीं कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार का कहीं कोई विरोध नहीं किया, उसी तरह से आज सरकार 5 किलो राशन दे रही है, कहीं से महंगाई का कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख लीजिए कि जितने हमारे सोशल मीडिया से लेकर के जितने लोकतंत्र को मजबूत करने वाले पत्रकार पत्रिकाएं हैं, उन सब पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक तरह से देश में तानाशाही लागू कर दी गई है, धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, कोई विरोध नहीं करने दिया जा रहा है, जो भी विरोध कर रहा है उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा लोकतंत्र है वो पूरी तरह से खतरे में है। हम देश का जो नौजवान है उसकी मानसिकता भीख मांगने की बनती चली जा रही है, हमारा जो देश का पहचान वो खत्म होते चला जा रहा है। इन सब से हमको बचना होगा, और सरकार द्वारा चली जा रही हर चाल को समझ करके उसका जवाब देना होगा। तो उठ खड़े होइए और सरकार से भीख मांगना छोड़ करके अधिकार मांगना शुरू कर दीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।